अर्पिता के सभी बैंक अकाउंट को ईडी ने फ्रीज किया, 8 करोड़ रुपए सीज किए गए। पार्थ चैटर्जी का बयान, बरामद पैसा मेरा नहीं है, समय आने पर सब पता चल जाएगा किसकी साजिश। अर्पिता की 2 लापता गाड़ियों की लोकेशन भी मिली, आज पार्थ और अर्पिता के नए ठिकानों पर ईडी रेड कर सकती है। पार्थ चैटर्जी की करीबी रही डॉक्टर वैशाखी बैनर्जी ने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा, 69 साल की उम्र में किसी का रंगीन मिजाज होना शॉकिंग है। शिक्षक घोटाले के बीच टीएमसी और ममता कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फेरबदल, पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद इमेज सुधारने की कोशिश। कैशकान में फंसे झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों पर एक्शन, पार्टी ने किया सस्पेंड। हावड़ा में एक गाड़ी से बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया था, झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक समेत 5 लोग पकड़े गए थे, जामताड़ा से गाड़ी आ रही थी। हावड़ा में पकड़े गए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के भाई का दावा, कहा उनके भाई को फंसाया जा रहा है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। मुंबई में संजय राउत के घर पर 8 घंटे से ईडी की टीम है मौजूद, 1,034 करोड़ रुपए के पात्रा चौल घोटाले में छानबीन जारी। संजय राउत के घर पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं का धरना, ईडी के खिलाफ नारेबाजी। ईडी पूछताछ के बीच संजय राउत का ट्वीट, कहा मर जाऊंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा, मैं शिवसेना छोड़ने वाला नहीं। दूसरे ट्वीट में संजय राउत ने कहा, मैं बाला साहब की कसम खाता हूं, मैंने कोई घोटाला नहीं किया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया बोले, कहा संजय राउत को घोटाले भ्रष्टाचार माफियागिरी का जवाब तो देना होगा। आईएसआईएस मॉड्यूल केस में 6 राज्यों में 13 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, गुजरात के 4 जिलों में भी रेड। संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे, राकेश अस्थाना की लेंगे जगह। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी बोले, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान 13 से 15 अगस्त तक अपने घर पर तिरंगा फहराएं। कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मारा गया लश्कर ए तैयबा का आतंकी इरशाद अहमद, इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी। देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 19,600 से ज्यादा नए केसेज आए सामने, 45 लोगों ने जान गंवाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश, नाले में 3 लोग बह गए, एनडीआरएफ तलाश में जुटी। जम्मू के बिलावर इलाके में बारिश की वजह से कच्चा घर गिर गया, नाबालिग भाई बहन की जान गई। पिथौरागढ़ के धारतुला में बादल फटा, नदी का जलस्तर बढ़ा, वैली ब्रिज बहने की खबर, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में जारी किया बारिश का अलर्ट, 3 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी बारिश की भी संभावना। एमपी के अलीराजपुर में बारिश के पानी के बहाव में बाइक बह गई, बड़ी मुश्किल से बाइक सवार की जान बची। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट बलूचिस्तान में बाढ़ से हाहाकार, बचाव के लिए लगाए गए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स। अर्पिता मुखर्जी के, क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।